उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, और उस पर उसको कैसे यूज करते हैं अपन वो सीखते हैं, ठीक है। सो हमने ये रिलेशन देखा था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव टाइम्स डो वाई बाई डो एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव टाइम्स स्लोप एट द पॉइंट ऑन विच और एट विच, या तो मुझे लिखना चाहिए ऑफ विच स्पीड इज टू बी कैलकुलेटेड, स्पीड इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अपन एक जनरल वेव मान लेते हैं, लेट्स से कोई वेव है जिसका शेप कुछ ऐसा दिख रहा है ना, और हमसे पूछा गया है ये वेव की जो डायरेक्शन है, लेट्स से वेव की डायरेक्शन इस तरह है, प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो इस तरह है, सो दिस इज वेव, ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, हमको मेंशन करके रखा है। और हमसे पूछा है कि बताओ ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा होगा इस इंस्टेंट पर, ठीक है, मतलब ये वेव बेसिकली ऐसे जा रही होगी, राइट। अभी इसका शेप कुछ ये दिख रहा है, ये किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए, मतलब वेव बढ़ रही थी आगे और मैंने उसका फोटो खींच लिया, ठीक है। और अब मुझसे ये पूछा है कि बताओ ये जब फोटो वापस से शुरू होगा, मतलब वीडियो को पॉज किया हमने, वीडियो जब वापस से अनपॉज होगा तो बताओ ये पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। बेसिकली उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी या किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां से देखना है फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमको निकालने के लिए इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये क्या है, ये वो पॉइंट का स्लोप है जिस पार्टिकल की स्पीड अपन निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर लेट मी कॉल इट पार्टिकल लेट्स से पी, ठीक है, इसकी स्पीड मुझे पता करनी है, तो मैं क्या करूं, यहां पर स्लोप डालूंगा, ये स्लोप हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पर जो एंगल बनेगा एक कुछ थीटा, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे टेन थीटा, जो कि होगा डो वाई बाई डो एक्स के इक्वल, क्योंकि ये भी स्लोप ही और ये भी स्लोप है, टेन थीटा को हम स्लोप ही बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट एट द पॉइंट पी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टेन, ठीक है। तो ये थीटा हम निकाल लेंगे, यहां से थीटा जो दिख रहा है हमको वो क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज दिख रहा है, और ऑब्ट्यूज थीटा होगा तो जो टेन थीटा की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो टेन थीटा इज नेगेटिव, हेंस वी कैन से, ये पर लिख देता हूं, एट पी डो वाई बाई डो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पी, इसको मैं स्पेसिफिक नाम दे रहा हूं, लेट्स से इट इज थीटा पी, ठीक है। टेन थीटा पी विल बी इक्वल टू डो वाई बाई डो एक्स, क्योंकि स्लोप और टेन थीटा इक्वल होता है, ठीक है। ये लेस देन जीरो है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, और ऑब्ट्यूस एंगल पर टेन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई एट पी, एट एक्स इक्वल टू एक्स पी, लेट मी कॉल इट, ठीक है। तो ये हमारे पास डो वी डो वाई बाई डो एक्स आ गई, अब वो वैल्यू हम यहां पर पुट करें, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू एक्स पी इज माइनस ऑफ वी डब्ल्यू टाइम्स दिस डो वाई बाई डो एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स पी, ठीक है। अब यहां से हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो यहां से पता चल जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये वाली वैल्यू इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ये हम पॉजिटिव ले चुके हैं ऑलरेडी, ये वाली वैल्यू जो है यहां पर नेगेटिव है, और ये वैल्यू खुद में एक नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो ये जो वैल्यू निकलेगी, इसकी जो साइन निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है, जब भी पॉजिटिव साइन आए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा होगा, ठीक है। मतलब यहां पर पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, समझ आ गया। तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं, सबसे पहले अपन वो टारगेट वो पॉइंट ढूंढते हैं जिसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करने को बोला है, पार्टिकल की वेलोसिटी, फिर उस पर स्लोप देखते हैं, स्लोप से अपन एंगल पता करते हैं कि ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है, एक्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस होगा तो नेगेटिव होगा, और उसको अपन ने डो वाई बाई डो एक्स के इक्वल किया, जो कि स्लोप है, जो खुद टेन थीटा के इक्वल होगा, फिर उसको अपन ने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन,
इसी में एक और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट भी क्यू। अभी क्यू वैल्यू क्यू को पता करना है कि किस तरफ जा रहा होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है। तो हम क्या करें, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको मैं मिटा रहा हूं। क्यू पॉइंट पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्लोप डायग्राम, ठीक है। और स्लोप का जो एंगल हमको दिख रहा है, टेंजेंट का जो एंगल हमें दिख रहा है वो ये थीटा क्यू होगा। और ये जो थीटा क्यू है मतलब इसका जो टेन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। क्यों होगा ग्रेटर देन जीरो? क्योंकि जो एंगल है वो एंगल एक्यूट आ रहा है ना। इसी को अपन डो वाई बाई डो एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स क्यू के इक्वल कर सकते हैं। लेट्स से दिस डिस्टेंस भी एक्स क्यू है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डब्ल्यू इनटू दिस वैल्यू एट x इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। अब हमें पता चला कि ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव, ये x साइन है कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मस्ट बी नेगेटिव इन साइन। नेगेटिव इन साइन मतलब पार्टिकल किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, क्लियर। सो दिस इज थीटा क्यू एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट क्यू, ठीक है। सो मैं वी क्यू लिख देता हूँ सीधा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट क्यू, क्लियर। अच्छा अभी कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा, तो हम इनके वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बेसिकली उसकी स्पीड ज्यादा होगी उस पार्टिकल की एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, इसी में एक और मैं पार्टिकल कंसिडर कर ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। पी क्यू एंड दिस इज आर, ये फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेट अस फोकस ऑन द पार्टिकल आर। अगेन हमको आर पर स्पीड बतानी है, कैसे बताएंगे? सबसे पहले इस पार्टिकल पर स्लोप डालो, ये हो गया स्लोप। ये जो एंगल दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, ऑब्ट्यूस दिख रहा है, मतलब टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि डो वाई बाय डो एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स आर, ये डिस्टेंस अपन एक्स आर बोल रहे हैं ओरिजिन से, दिस मस्ट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि थीटा जो इसका है ये ऑब्ट्यूस आएगा, ठीक है। अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, इसको मैं आर लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इट आर, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू डो वाई बाय डो एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स आर, है ना। ये अपना बेसिकली हो गया। अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब आर पार्टिकल किस तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ आर, ठीक है। एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला, लेट मी कॉल इट पॉइंट एस, ये जो पीक पर पॉइंट है उसको कंसीडर कर लो, ठीक है। फिर से वही कहानी हर बार चला रहे, हमको स्लोप निकालना है x इक्वल टू एक्स एस, ठीक है। और एक्स एस पर स्लोप क्या है, जीरो, ठीक है। पीक वाला पार्टिकल डाउन पीक पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो। और इक्वल टू जीरो होगी तो उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी एट एस विल बी जीरो, ठीक है। तो क्या पार्टिकल हमेशा ही बैठा रहेगा, नहीं। ये जो स्पीड है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि पार्टिकल की स्पीड वेरी करती रहती है, वेव की स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अभी ये जीरो हुई है, अब फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा, क्लियर। तभी तो ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, समझ आया। ऊपर जाना, यहाँ से आता ऊपर पहुंचने शुरू करेगा, अपने वापस मेन पोजिशन पर जाने की कोशिश करेगा, तभी ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, क्लियर। तो यदि मैं इसका अगले इंस्टेंट का ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ये पार्टिकल नीचे आ गया, ये डिस्टरबेंस आगे निकल गया होगा,
ये वाला आर पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, एस पार्टिकल यहाँ पर आ गया, पी पार्टिकल और एस पार्टिकल यहाँ पर आ गया होगा। इस तरीके से डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ गया, इधर ये वाला डिस्टरबेंस भी आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से वेव ट्रैवल कर रही होगी। क्लियर? तो ये चीज समझ आ गई कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है। इससे ये तो था बेसिकली ग्राफ से डायरेक्टली देखने वाला क्वेश्चन, यदि हमको इक्वेशन दे दो और इक्वेशन में पार्टिकल की स्पीड पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू 4 साइन पाई बाय 6 एक्स माइनस पाई बाय 3। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको 3 कर देता हूं, इसको 6 कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको देख के रखा हुआ है और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द, ये वेव की इक्वेशन देख के रखी, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ वेव at x equal to 1 meter and t is equal to 1 second। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें दिया है और क्या पूछा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ वेव। तो जो इजी है पहले वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड ऑफ वेव निकालना बहुत ही आसान है, कोफिशिएंट ऑफ t बाय कोफिशिएंट ऑफ x करो, स्पीड ऑफ वेव निकल आता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज पाई बाय 3। तो ये कितना हो गया, 1/2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर x और t मीटर, ये x मीटर में और t सेकंड में, ये मेंशन है, ये ऑलरेडी मेंशन होता ही है, यदि सेंटीमीटर में होगा ये सेकंड में होगा तो वो भी मेंशन होगा। क्लियर? ये 4 जो है ये मीटर में। ठीक है, ओके, तो स्पीड ऑफ वेव हमारे पास आ गया। अब हम स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल होता है माइनस ऑफ स्पीड ऑफ वेव इनटू डो वाई बाय डो एक्स, दिस इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, है ना। अब हमें स्पीड ऑफ वेव तो पता चल गई। अच्छा, इससे ये भी पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वेव जा रही है, बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब ये प्लस एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस में वेव ट्रैवल कर रही है। ओके, अब तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये हमको निकालना है। कहां पर निकालना है ये वैल्यू, ये वैल्यू हमको निकालना है जो क्वेश्चन में मेंशन करके रखा होगा, x इक्वल टू 1 मीटर एंड t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। तो x इक्वल टू 1 मीटर एंड t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन स्लोप कहां से निकालेंगे, स्लोप अपन इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करा साइन का हो जाएगा cos, तो 4 cos into पाई बाय 3 x माइनस पाई बाय 6 t, है ना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाहर एक पाई बाय 3 आएगा, तो ये 4 पाई बाय 3 हो गया और ये स्लोप निकल गया। क्लियर? अब हमें स्लोप निकालना है x इक्वल टू 1 मीटर और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, तो हमको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके यहीं लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस स्पीड ऑफ वेव, कितना आया, स्पीड ऑफ वेव 1/2 इंटू 4 पाई बाय 3, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 3 इंटू 1 माइनस पाई बाय 6 इंटू 1, तो कॉस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 इंटू कॉस की वैल्यू है कॉस पाई बाय 6 हो जाएगा, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मतलब प्लस रूट 3/2, तो प्लस रूट 3/2 ये हो गया, टू से टू हो जाएगा, दिस इज माइनस 5 रूट 3/3। क्लियर? रूट 3 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो 5 माइनस 5 बाय रूट 3, दिस विल बी आंसर, एंड ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ रही है, पाई बाय रूट थ्री मैग्नीट्यूड है और माइनस उसका डायरेक्शन आ रहा है, मतलब साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल माइनस वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। अपन अगेन इंस्टेंट बदलेंगे, मतलब इस टी की वैल्यू बदलेंगे तो इस पार्टिकल की वो बदलती जाएगी, स्पीड बदलती जाएगी। क्लियर? ओके, तो बेसिकली मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, कहीं होगा रफ स्केच बनाया, ठीक है, कहीं होगा ये पार्टिकल x इक्वल टू 1 मीटर और इस इंस्टेंट पर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो रही होगी। जिस इंस्टेंट पर ये पार्टिकल जो है ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, कितनी स्पीड से, माइनस, यदि मैं वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस पाई बाय रूट थ्री जे क्या, ये बेसिकली इसकी स्पीड होगी। क्लियर? टाइम बदलेगा तो यहाँ पे ये वैल्यू बदलेगी, ये वैल्यू बदलेगी तो इस पार्टिकल की स्पीड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल सकती है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, अब अपन कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पर, जिससे अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, question is, a plane progressive wave is given to you, and that is, let's say pi sine pi by 3 x minus pi by 6 t, where x and t are in meter and second respectively. दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स चौथा क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ द वेव। अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द पार्टिकल और आई मस्ट राइट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वी हैव टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो वेव की क्वेश्चन देखें, ये होता है एम्पलीट्यूड, राइट? तो डायरेक्ट आंसर हो गया इसका, सिंपल क्वेश्चन है, पहले अपन फैमिलियर हो जाए इस कॉन्सेप्ट से, फिर उस पर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सो 5 मीटर इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे मीटर लिखना जरूरी है, यहाँ पर मीटर होगा तो हम इसको 5 मीटर मानेंगे, सेंटीमीटर होगा तो इसको 5 सेंटीमीटर मानेंगे। ठीक है, तो ये 5 मीटर हो गया, फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकंड आंसर देखते, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव पता करने के लिए हमने क्या देखा था कि हम इन दोनों x और t के बीच का साइन देखते हैं। यदि ये साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है,
प्रोपगेशन प्लस एक्स एक्सिस में नेगेटिव होता, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ये साइन भी पॉजिटिव है तो प्रोपगेशन माइनस एक्स एक्सिस में, और नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस एक्स एक्सिस में. सो वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. क्लियर. अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑसिलेशन और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हो वो हमें ये बताएगा, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं. क्लियर. सो ये हो जाएगा, इसमें हम प्लस वाई माइनस वाई नहीं लिख सकता क्योंकि पार्टिकल कभी प्लस में जा रहा है फिर कभी माइनस में जा रहा है और ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है, तो आई विल से ओनली इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है. वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और वाई नेगेटिव भी होगा, हो सकता है क्या होगा ही, ठीक है, कभी पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव होगा. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव पता करने के लिए क्या करें, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से बेसिकली कंपेयर करते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम, k को हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाई बाई थ्री के इक्वल है, राइट, तो k यहाँ पर इक्वल है पाई बाई थ्री के, और k हम जानते हैं 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर. क्लियर, दिस इज द वेवलेंथ 6 मीटर, ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये तीनों हो चुके हैं, इसकी बात है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कितना होगा, अगेन फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, kx को हम कंपेयर कर चुके थे और ओमेगा टी को कंपेयर कर लेते, ओमेगा टी यहाँ पर पाई बाई 6 के इक्वल है, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 6, ठीक है. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, फिफ्थ क्वेश्चन का, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई f, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो गई, f की वैल्यू हो गई बेसिकली 1 बाई 12. क्लियर, इसकी जो यूनिट होगी वो पर सेकेंड में होती है. क्लियर, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होगी. अच्छा पूछा गया लेकिन फिर भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1/T होगा, ठीक है, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेकेंड. क्लियर, मतलब 12 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और मेन पोजिशन पर आ जाता है, राइट, या फिर हम ये कहें कि 12 सेकेंड में ये पार्टिकल 1 वेवलेंथ ट्रैवल कर लेता है. क्लियर, नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं ये वाले पुराने में डालता हूँ सर, हम बेसिकली 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 5 सब क्वेश्चंस, अब हमको वो वाला सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ. मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो स्पीड निकाले पार्टिकल की, पाई की वैल्यू लिख लेते हैं, पाई साइन पाई बाई 3x माइनस पाई बाई 6t, ठीक है. स्पीड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पढ़ा था कि पार्टिकल्स स्पीड इज बेसिकली डो वाई बाई डो टी, ठीक है, ये होती है पार्टिकल की स्पीड. या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो अपना फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मैक्स ऑफ स्पीड ऑफ वेव इनटू डो वाई बाई डो एक्स, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन की तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे और आंसर आएगा, ठीक है. तो बेसिकली ये हो गया 5, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 5 साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, एंड देन पाई बाई 3x माइनस पाई बाई 6t, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाई 6 एक बाहर आ जाएगा और विथ माइनस है क्योंकि माइनस इस बाहर आ जाएगा, सो इट इज माइनस पाई बाई 6. क्लियर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, राइट. अब उसने क्या बोला है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये वाली जो वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो स्पीड अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी. क्लियर, तो अपन इसको कॉस पाई बाई 3x माइनस पाई बाई 6t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस इंस्टेंट पर स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, अच्छा 0 नहीं बना क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई,
ये वैल्यू वन हो गई, ये वैरी कर नहीं सकती, तो ये मैक्सिमम स्पीड हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या स्पीड ऑफ पार्टिकल इज बेसिकली, मैग्नीट्यूड की बात करें हम, स्पीड की बात करें हम, तो मैग्नीट्यूड आएगा 5π/6। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, क्लियर? ओके, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू दिस एंड t इज इक्वल टू दिस। तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, ये लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा दो फिर इसको, एक काम करता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल उधर लिख लूँगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू -5π/6 इंटू कॉस π/3x माइनस π/6, ठीक है। अब ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दिस विल बी -5π/6, जैसा कैसे रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है तो माइनस आएगा, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, ये हो जाएगा π/3 - π/3x - π/6, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -π/6 एक बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, हो जाएगा π² और ये हो जाएगा 36, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजिशन एक्स, क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है, x इक्वल टू 1 मीटर और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर कैलकुलेट करना है ना। तो अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू यहाँ पर पटक देते हैं x की और t की। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू -5π² / 36 इंटू साइन π/3 इंटू 1 माइनस π/6 इंटू 1, सो इट इज बेसिकली π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -5π² / 36 इंटू 2, तो हो जाएगा 36 इंटू 2 करना है हमको, 36 into 2 = -5π² = 70. This will be the acceleration of the particle and its unit will be meter per second square. ठीक है, this will be the answer. Clear? इसके बाद हम और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।